मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज डे 11 दिल्ली में हूँ। आज मेरा एक कज़िन भी है, मैं उसका फेस नहीं दिखा सकता, कुछ उसका जॉब रिलेटेड इश्यूज होने की वजह से मैं नहीं दिखा सकता। तो हम लोग दोनों आज निकले हैं होटल से, पटेल नगर से, अभी मॉर्निंग में। अब जा रहे हैं यहाँ से टेक्नोकॉन स्टोर, जो यहाँ से करीब 32 किलोमीटर है, और कुछ गूगल ट्रैफिक के वजह से कुछ 45 मिनट्स दिखा रहा है। वो थोड़ा दिल्ली का आउटस्कर्ट पे आता है, बट जो भी है, टेक्नोकॉन स्टोर जा पहुँचता है और आपको मिलता हूँ। टेक्नोकॉन स्टोर जाने के रास्ते पे ये एक ब्रिज लगता है, बहुत प्यारा ब्रिज है। देख के अपना वर्ली सीलिंग, मुंबई का जो वर्ली सीलिंग है वो याद आ जाता है। सेम वैसी स्टाइल में बनाया है, लेकिन यहाँ पे कुछ फ़र्क है। ये वर्ली सीलिंग जो है वो दोनों साइड सेम टाइप ऑफ स्प्रिंग सस्पेंशन लगा है। यहाँ पे स्प्रिंग का जो सस्पेंशन है, आप लेफ्ट और राइट में देख सकते हैं, दो साइड में डिवाइडेड है। और उसके बाद उस साइड में आप अगर, मतलब ये ब्रिज के उस पार जब आप देखते हो, तो ये सारा चीज़ को एक जगह पे लाके इकट्ठा कर दिया है। ये एक अलग यूनिक चीज़ लगा ये। और दूसरा बात, फॉग बहुत था करके ज़्यादा कुछ आपको वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ। क्या ट्रैफिक है भाई, क्या ट्रैफिक है। हाँ, 17 किलोमीटर एक्चुअली एक घंटा लग गया, और उसमें 44 मिनट दिखा ही रहा था गूगल मैप पे। बाद में समझ में आया रोड पूरा, ये ओल्ड दिल्ली में पहुंच गए हम लोग। तो आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा भाई भी है साथ में। जैसा मैंने मोटो ब्लॉग के टाइम बोला कि मैं टेक्नोकॉन स्टोर पे जा रहा हूँ, अब यहाँ पे आया है। थोड़ा सा एबीएस का काम करना था, मुझे स्विचेबल एबीएस करना था, जो उन्होंने मना कर दिया कि वो सही नहीं है। ठीक है, तो हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। थोड़ा वायरिंग का काम था, थोड़ा क्लीन करना था, वायरिंग का काम हो रहा है। पूरा वायरिंग खोल दिया है पूरा क्लीन करने के लिए। दो डॉक्टर लगे हुए हैं गाड़ी पे। भाई वायरिंग कैसा हो रखा था, कुछ मुंबई का वायरिंग था, कुछ करोल बाग का वायरिंग था, अब टेक्नो वाला वायरिंग। अब टेक्नो वाला वायरिंग। पट्टी कस्टम रेडीमेड पट्टी को लेके कट के छोटा कर रहा है भाई, अच्छा दिखने के लिए। ये
देखो वायरिंग एकदम सही हो गया, अब हैंडल घुमाने में कोई तकलीफ नहीं है, एकदम मस्त। टकाटक वायरिंग का काम से आया था, वायरिंग का काम कंप्लीट हो गया है, अब मुंबई का वायरिंग से टेक्नो खान का वायरिंग हो गया है गाड़ी पे। क्या करें भाई, आपकी दुआएं हैं बस ऐसी कि काम हो जाता है, देखो पता ही नहीं चलता बातों में हमने कब वायरिंग सेट कर दी, कब आया। मुश्किल से आधा घंटा लगा, मुश्किल से आधा या पौना घंटा लगा, जो भी है पूरा वायरिंग अच्छा हो गया है, नीट एंड क्लीन हो गया। पहले हैंडल घुमाने में तो तकलीफ होता था वायरिंग ज़्यादा होने की वजह से, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो भाई थैंक यू। अरे और थैंक्स आपके लिए बोलना पड़ेगा, कितनी दूर से आए भाई हमारे पास में काम करवाने के लिए। थैंक यू भाई, चलो मिलते हैं अभी मोटो व्लॉग पे। अब टेक्नो खान स्टोर में अपना वायरिंग का काम कंप्लीट हो गया है, अब यहाँ से निकल रहे पटेल नगर के लिए, और पटेल नगर में पहुँचेंगे फिर गाड़ी लगा के थोड़ा वहाँ पे लोकल घूम लेंगे, ऐसा प्लान है। सो YouTube के दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा, और साथ ही में बेल आइकन है, बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो बेल आइकन दबाने के बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो जैसा आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एक्सप्लोरिंग फॉर पीस विद जिजो, वहाँ पे भी आप जाके IGTV पे भी वीडियो देख सकते हो। कनेक्टेड रहिए सो दैट आपको वहाँ पे लाइव अपडेट मिलेगा। YouTube पे मैं कैसा थोड़ा स्लो चलता हूँ, थोड़ा कभी कभी 15 दिन एक महीने का डिले आता है। Instagram पे जो कनेक्टेड है उनको मेरे पूरे ट्रैवल अपडेट्स अपडेटेड, एंड स्टे कनेक्टेड टू द वीडियो सो दैट यू गेट द अपडेट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो एंड माई नेक्स्ट ट्रैवल प्लान। स्टे ट्यून्ड।